मॉर्निंग। तो आज हमारा लास्ट जो है जांगजा जे का, और आज हम जा रहे हैं यहाँ का मोस्ट यूनिक और मोस्ट लाइक जो कह सकते हो आप इम्पोर्टेंट स्पॉट है ये। तो यहाँ पे है तियानमन माउंटेन, जो कि दो माउंटेन्स के बीच में नेचुरली केव जैसा बना है, मतलब ओपन केव है। वहाँ पे कुछ हज़ार स्टेप चल के जाना है, वहाँ पे ओपन केव है। तो हमने टिकट ले ली एज यूजुअल, स्टूडेंट डिस्काउंट की टिकट ले ली हमने। 275 ओरिजिनल प्राइस है, बस स्टूडेंट डिस्काउंट से हमको मिला 144 युआन। ओके, स्टूडेंट डिस्काउंट की एक मैं बात बता दूं, आप पेपर पे नहीं दिखा सकते कि आप स्टूडेंट हो। आपको आईडी कार्ड, आपको पासपोर्ट, और जो भी चाइनीज स्टूडेंट्स होते हैं या चाइनीज यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उनके लिए वी चैट पे उनका मिनी प्रोग्राम होता है, उसमें दिखाते कि आप स्टूडेंट हो। ओके, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, वरना उसके बिना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो 275 युआन तो ऑफिशियल प्राइस है, हमको डिस्काउंट के बाद 144 में मिल गई। तो उसमें हमें मिलेगा एंट्रेंस का केबल वे अप, तियानमन माउंटेन, तियानमन एस्केलेटर राउंड ट्रिप, एक्सप्रेस केबल वे डाउन, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलेगी। तो ये चलते हैं। तो अभी हम ये बस में जाएंगे, बस हमें ले जाएगा दूसरे केबल स्टेशन, क्योंकि तीन लाइन है यहाँ पे, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी। ए और बी सोल्ड आउट हो गए पूरे, तो हमें अभी सी में जाना पड़ रहा है। तो दूसरा स्टेशन है केबल कार का, तो वहाँ जा रहा है। वो रही केबल कार, और उसमें हम अभी जा रहे हैं यहाँ से ऊपर जाएंगे। और धूप भी अच्छी है आज, तो व्यू तो सही मिल जाएगा। तो अगर आप लाइन ए की जो टिकट ले रहे हो, लाइन ए की जो टिकट है, लाइन ए का जो केबल कार है ना, वो आपको सिटी के बीच से लेके जाएगा, मतलब सिटी से ही आप केबल कार में जाओगे, आपको बस में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप लाइन बी या लाइन सी से ले रहे हो, तो वो आपको सिटी के बाहर वाला जो केबल कार का स्टेशन है वहाँ आपको छोड़ के जाएगा, वहाँ से आप माउंटेन पर केबल कार से जाओगे। तो लाइन ए की सोल्ड आउट हो गई थी, बेटर यही है कि अगर आप आ रहे हो प्री बुक करके आओ, trip.com पे भी दिखती है प्राइसेस, या तो आप कोई भी चाइनीज ऐप से भी कर सकते हो प्री बुक करके आना, वरना सिटी वाला केबल कार हमारा मिस हो गया, वो हम नहीं कर पाए, हमें वो भी करना था। बट ठीक है, यहाँ से भी केबल कार है, देखो ये, देखो यहाँ से सीधा ऊपर। तो भाई ये रही टिकट, और सबसे बढ़िया बात आज फिर धूप है, व्यू अच्छे से दिखेंगे। एक बात मुझे समझ नहीं आती, जब हमको ये टिकट दिया था तभी उन लोग ने हमारा पासपोर्ट वेरीफाई किया, हमारा जो मैं आपको मिनी प्रोग्राम में दिखाते हैं वो वेरीफाई किया, स्टूडेंट कार्ड वेरीफाई किया। ऊपर आने के बाद वापस करने की क्या ज़रूरत है, टिकट दे दिया तो फिर वापस करने की क्या ज़रूरत है। लाइक चाहे ना हो ना, अपने लिस्ट पे आना, क्योंकि कुछ लोग हैं जो ऐसे, मतलब समझ नहीं आ रहा, नीचे जब सब कुछ चेक करके टिकट दिया तो वापस करने की क्या ही ज़रूरत थी। चलो अभी व्यू एंजॉय करते हैं। तो आ गए, ये है केबल कार। तो बताता हूँ मैं आपको, ये यहाँ बैटरी हो बैठ जाते हैं।
है जिसकी हम बात कर रहे थे वो और ऊपर तक पहुंचेगी, जो कि लाइन है आई थिंक वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट केबल कार है, ऐसा हमें यहाँ आके पता चला, चाइना में चाइना वाले लोगों ने बोला। अब चाइना तो अपनी हर चीज़ नंबर वन कर ही देता है तो इससे लंबी भी कोई हुई तो हमें तो पता होगा नहीं, बट इधर ऐसा हो कि ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट केबल कार है। यहाँ पर हम अभी लाइन सी में आए हैं, वो लाइन ए है सबसे लॉन्गेस्ट, लाइन सी तो हार्डली कुछ 5-7 मिनट की थी, ज़्यादा नहीं थी, तो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं, नसीब में नहीं था तो नहीं था। तो अभी हम आया चलते ऊपर हेवन गेट पर। हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर इन चाइना? Hubei province. Hubei. We study in Guangzhou. Oh, study in Guangzhou. Yeah, Guangzhou Medical University. Oh, now I'm working in India. Delhi. Oh, where? Yeah, Noida. Noida? Yes. Oh, wow. Our company in Noida. Uh-huh. So I have been working in India for 6 years. 6 years? Oh. Yeah. You can understand Hindi? Yeah, a little bit. Yeah. Can you say something in Hindi? Can you say something in Hindi? Hey, Indian guys, namaste. Ram Ram. Nice to meet you. At this time, I come back to China for a vacation, 1 month. Oh, so okay, I take my parents for the tourist. Oh, yes. Okay. So you are working in Guangzhou, right? Yeah. We are studying in Guangzhou. Oh, sir. Studying. तो गाइस जो लाइन ए की जो केबल कार है ना उसके लिए ऊपर तक डायरेक्टली वो पहुंच देंगे, बट हम लोग लाइन बी और लाइन सी से आए हैं, तो लाइन बी और लाइन सी को ना थोड़ा 500 मीटर वॉक करके ऊपर तक जाना है। तो ठीक है, इतना कुछ ख़राब भी नहीं है, बट मज़ा तो आ रहा है, क्या बोलता है? हाँ, मज़ा तो बहुत आ रहा है, पर लाइन ए का टिकट होता तो और मज़ा और मज़ा आता। तो आज जो भी अगर आप आने का सोच रहे हो तो प्लान प्री बुक करके आना, क्योंकि टिकट्स नहीं मिलेगी लाइन ए की इजीली, और वेदर भी अच्छा है, सब व्यू भी अच्छे से दिखेगा। चलो चलते हैं। तो ये हम इधर आने वाले हैं, बोरा उधर ऊपर तक जाएंगे हम, कुछ 999 जो मैं आपको बता रहा था, 1000 स्टेप। तो हम यहाँ से अभी वहाँ ऊपर जाएंगे। ओके, तो गाइस फाइनली आ गए हम, जिसके लिए केबल कार करनी थी वो सब के लिए यही है लोकेशन, देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये है टोटल ऑफ 999 स्टेप, ऊपर चढ़ के जाना है हमें, यहाँ का ये व्यू। तो लेट्स गो एंड एक्सेप्ट द चैलेंज, चलते हैं 999 स्टेप ऊपर से आपको बताता हूँ कैसा व्यू आ रहा है। तो भाई यहाँ पे ऐसी बिलीफ है कि ये जो माउंटेंस है, ये जो चाइनीज लोग हैं जो मानते हैं इनको, ये माउंटेन्स को भगवान मानते हैं, जैसे कि अपने इंडिया में भी मानते हैं नदियों को अपन भगवान मानते हैं, वैसे ही माउंटेन्स को ये लोग भगवान मानते हैं, इनका बिलीफ है। और यहाँ पे आप इंसेंस या अगरबत्ती जो भी आप बोलो उसको लेकर आप भी कर सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे मन्नत मांग के लोग ऊपर पूरा चढ़ते हैं 999, तो हमने भी मांग ली और अब हम ऊपर चलते मज़े लेते। तो भाई फाइनली 500 डन, कैसा लग रहा है? बहुत ही गंदा लग गया है भाई, कैसा लग रहा है 500 के बाद? और आगे 500 चढ़ने गाइस, लग तो नहीं रहा 500 है, 200 ही बाकी है। तो भाई पूरे 850 स्टेप्स कवर कर लिए हमने, आई थिंक 850-900 ही है शायद, 999 नहीं है। और इधर दिखाता हूँ क्या दिखता है, वाह।
हम ऊपर चढ़ के आए हैं, इसके ऑपोजिट ये व्यू है, एकदम पीसफुल। और मतलब वहाँ से साइड से ही जैसे आप पास आ जाओगे उधर साइड से ऐसे चलने की जगह है, तो बस आया हम वहाँ पे और चल के जाते हैं आगे, क्या है देखते। तो गाइस कैसा लगा, बोलना होता है कुछ बोलो। अरे वर्ड्स नहीं है, स्पीचलेस भाई, एक नंबर जगह यहाँ तो आने का। 800 एंड कितने स्टेप्स चढ़े? 900 कैसे हुए? 900 तो थे, 900 काउंट किए थे हमने तो। 840 अच्छा कीजिए भाई, तू 900 बोला था ना, कोई नहीं तो भाई अभी हम वापस जा रहे हैं, हमारी शाम की 6 बजे की ट्रेन है, तो हमने लास्ट आज थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी उठ के हम लोग आ गए थे, तो लास्ट 6 बजे की ट्रेन है, तो अभी होटल जाएंगे, सामान उठाएंगे और फिर स्टेशन जाएंगे और वहाँ से गुवाहाटी जाएंगे। तो आज का दिन यहाँ ख़त्म।